मेरे 100 रुपये बर्बाद हो गए गाइस। दुनिया तो आज हमारी छुट्टी है लेकिन काम मेरे पास बहुत सारा है। एक मीटिंग अटेंड करना है, उसके बाद मुझे एपिसोड पढ़ना है, उसके बाद मेरे आज एक गुरु का एनिवर्सरी है तो मैं उनके लिए सोची छोटा सा कुछ स्पेशल करूं। तो फ्रेंड फाइनली सब कुछ हो गया है, मैं अंधेरी सब कुछ मीटिंग करके आ चुकी हूँ। अभी थोड़ी सी शॉपिंग करना है और वहाँ पे किसी की शादी चल रही है गाइस, अभी जाके हम फ्री में कुछ खाएंगे वहाँ पे शादी में, मुझे फ्री का खाना। तो गाइस मैं जूतियों में आई थी, मुझे कुछ पसंद है, एक जूता लिया मैं। तो फिर वो जो सामने लाइटिंग देख रहे हो ना, मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत दिनों से लगा हुआ है, तो आज छुट्टी के थोड़े एंजॉय करते हैं और इस मेले में चलते हैं। झूले में बैठना तो मुझे बहुत डर लगता है, पर ट्राई, लेट्स सी ट्राई। यहाँ पे तो शादी है, मेले कहाँ है, शायद मेला यहाँ पर लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आंटी फूगे फुगा रही है, कितनी मेहनत कर रही है बेचारी। तो गाइस अभी मैं इसमें एंट्री करने जा रही हूँ, देखिए वहाँ क्या क्या है, आप लोगों से हमारी अंदर एंट्री हो रही है और भी नहीं लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगता मुझे फ्री में तो नहीं घूमना पड़ेगा या फिर मेले वाले बंद हो गएंगे, सिर्फ ऐसे घूमना होना पड़ेगा नल्ले जैसे। गाइस अंदर शादी चली है, फ्री का खा। तो गाइस देखिए कितना प्यारा फाउंटेन है, इस कमेंट करके बताना मुझे इसमें बैठना चाहिए था कि 50 रुपए टिकट है। ट्रेन में तो मैं रोज ही घूमती हूँ, ये तो बच्चों वाली खेल है, मैं देखती हूँ बड़े वाले झूले पे बैठना है और मुझे बहुत डर लगता है, पर मैं ट्राई करूंगी बड़े वाले झूले पे बैठने की। तो गाइस क्या मुझे इसमें बैठना चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना, मेरी तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर मैं बैठू कि नहीं बैठू समझ में नहीं आ रहा है, और इसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। गाइस उसकी वीडियो तो मैं बना नहीं पाई लेकिन उस वाले झूले पे मैं बैठी थी और मेरी बहुत बैंड बजे क्योंकि उसे वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था और मैं अकेले थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन बहुत ही डेंजर था, मैं अब कभी भी झूले में नहीं बैठूंगी। लेकिन आप 50 रुपये वाली वीडियो में, मैं 50 वाले में बैठने जा रही हूँ, उसमें थोड़ा घूमूंगी क्योंकि उसे मेरी तो बैंड बज गई, इसलिए कह रहे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के टाइम पर कोई असिस्टेंट होना चाहिए। प्लीज़ अगर कोई मेरा वीडियो बनाना चाह रहा है, मेरा असिस्टेंट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अभी मैं खेलने वाली हूँ, देखती मैं इसमें जीतती हूँ कि नहीं। तो भाई मेरे साथ तो कोई खेलने वाला नहीं, यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं गेम कैसे खेलूँ। मैं करने जा रही हूँ, कॉइन डालते हैं इसमें, डालू ना, ये डालने के बाद ही रिवर हूँ, ये पकड़ो ना, मुझे डर लग रहा है। बर्बाद हो गए गाइस, अब मैं जिंदगी में मेले में नहीं आने वाली हूँ।
ये लोग सिर्फ पैसे लूटे। अब आप लोग ही बताइए, जो मैं गेम खेल रही थी वो 30 सेकंड में कौन कर सकता है गाइस? मॉल में एटलीस्ट 60 सेकंड देते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आज के बाद मेले में नहीं आती। टमाटर वमाटर खाते ना? ये फिश एक साथ बहुत सारे बच्चे देती है। मैंने एक बार अपने घर में रखा था, इसने 26 बच्चे एक साथ दिए थे। वाओ, आप लोग भी अपने मोबाइल में ये लगाइए, मोबाइल के जो चार्जर होता है उसके केबल में ये लगाइए तो आपका चार्जर नहीं टूटेगा। हेडफोन में यूज़ करिए, आपका हेडफोन नहीं टूटेगा। तो मैं सबसे पहले सेफ्टी ये करो, क्योंकि आईफोन का चार्जर बहुत महंगा होता है 2000 का, तो मैं ये कलर ले रही हूँ। तो कितने लोग खरीद रहे हैं? केबल में ये लगाओ और साइड साइड में ये लगाओ जहाँ से केबल फोल्ड होता है, तो मैंने ये कलर लिया है। एक टूटेगा दूसरा लगाना, 4 पीस मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने मोबाइल में ऐसे ही लगाइए। तो गाइस मैंने कुछ और सोचा था कि मैं कुछ स्पेशल करूँगी, बट मुझे बहुत ही लेट हो गया। तो छोटे से केक के साथ मैं अपने बॉस की एनिवर्सरी मनाऊंगी और उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी, क्योंकि टुनटुन टनटन को लेने में भी बहुत टाइम हो गया। ऊपर से उनके लिए और भी चीज़ें खरीदनी थी, उनके लिए भाजी खरीदना था, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मेरा क्यूट सा केक मैंने फाइनल किया है और मुझे अच्छा नहीं लगा है। छोटा सा केक मैंने लिया है अपनी खुशी के लिए, तो शायद मैं उसकी ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ इस पे परफेक्ट। तो सर ने मेरी तारीफ की कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। थैंक यू सो मच सर। वो लगा दिया मैंने। तो गाइस मैं अपने बॉस के लिए देखिए ये सोचा है, मेरे गुरु है वो। बहुत प्यारा लगा मेरे गुरु के लिए। कैसा लग रहा है? कैसा लगा ना? हमारा कैसा रेट के लिए दिलदार हुआ। तो कैसे कैसा लगा? मैं अपने गुरु के लिए छोटा टाइम तो नहीं मिला, पर फिर भी कोशिश करेगी थोड़ा अच्छा हो जाए और वहाँ पे जाऊंगी, खाना भी खा लूंगी। और ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपसे सीधा उनके घर पे मिलूंगी, बाय। तो गाइस मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम है, मैं कभी भी टाइम पे कहीं पे पहुंच नहीं सकती हूँ। रात के बज रहे हैं 11:30, एनिवर्सरी खत्म होने वाली है और मैं अभी तक पहुंची नहीं हूँ। बहुत मेरे साथ हमेशा बहुत बुरी लड़की हूँ मैं, कभी भी मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकती। पर खैर देर आया दुरुस्त आया। घर में आती देगी नहीं कि मेरे पीछे मुझे आती देगी नहीं कि देखो इसको, देखो सुनने की इसकी, देखो 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 हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ये गिफ्ट दे रखी है दी, आप इसका क्या कह रही थी आप जरा बताओ। मैं तो क्या बोल रही हूँ, ये भाग रही है, मैं शॉपिंग नहीं करवाता और मैं पीछे से खींच रही हूँ कि शॉपिंग करवाओ मेरे को। बात सही है, यही होता है वॉइस लोगों का। ये देखिए ये भागने की वॉइस क्या होती है, तू भागने की कोशिश करते है ना। हाँ तो लेडीज पीछे से खींचती है और शॉपिंग करवाओ। राइट, आंटी जी ने मेरी तारीफ की, एंगेजमेंट में बहुत प्यारी लग रही, पर एंगेजमेंट की वीडियो अभी तक तो आई नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, लेकिन स्नैपचैट के लिए देखो कितनी तैयारियाँ चल रही है। अरे मैं लग रही हूं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। दीने जैसे कमेंट। तो गाइस मैंने टुनटुन और टनटन लिया है और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी, पर थोड़े से बड़े होंगे मुझे घर पे जाओगे तो दिखाऊंगा। हां मुझे, हां राइट राइट सही। मैंने ही सोचा है टुनटुन टनटन, मेरे को लगा आपने स्कूटी का नाम भरो नीचे पार्किंग नो पार्किंग, मेरा क्या वो पता कैसे लगेगा टुनटुन कौन है वो पता चल गया, उसमें बताया उसने गर्ल्स कौन है बॉयज कौन है। तो गाइस यहाँ पे केक खिलाने की प्रैक्टिस, और आपको पता है मुझे केक पसंद है तो मैं केक खाने जा रही हूँ। पहले ओ पता है लपड़ लपड़ केक खाया जाएगा। मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। खिलाने के लिए बस फोटो लिया जा रहा है ये पीछे में। तो गाइस यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, मैं अपने टुनटुन टनटन के साथ वीडियो एडिट करूंगी, तो आपको मिलती हूँ सीधा घर पर। उसकी केबल ना खराब कर दी।
एक जो भी आता है ना सारे याद आते हैं, वो उल्टा ताल। पॉटी तो बकेट में कराऊंगी। इसके ये तो जीना खराब कर दिया हमारा। ये तो गाइस देखिए मेरे टुन टुन और टन टन धनिया खा रहे हैं। ये लोग अभी सो गए हैं गाइस, इन लोगों को मैं सुबह उठाऊंगी वॉशरूम जाने के लिए। जरूर बताना। अभी देखिए टुनटुन कैसा जग रहा है, इसने आंख निकाली है। अभी ये धनिया खाएगा फिर सोएगा। तो प्लीज एक कमेंट करना, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ साथ। बाय बाय टुनटुन। गाइस देखो ये धनिया खा रहा है, देखो चल रहा है वो, देखो देखो देखो।